पहले तो देश में कहीं भी हिंसा हो उसकी हम भर्त्सना करते हैं। अपने यहां परिपक्व लोकतंत्र है, हर एक को अपनी राय रखने का अवसर है और इसलिए हिंसा का इस देश में कोई स्थान नहीं है। और खासकर विश्वविद्यालयों में जहां सब लोग पढ़ने के लिए जाते हैं वो हिंसा का स्थान हो नहीं सकता। और आपको मालूम है जेएनयू में पिछले सप्ताह में वहां सेमिस्टर का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और वो सभी छात्र कर रहे थे, तब कुछ यूनियंस ने तय किया कि ये नहीं होने देना है। और किस तरह से आपने भी दिखाया है किस तरह से सर्वर को लॉक करके रखा, किसी को उपयोग करने नहीं दिया। तो ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो हमें भूलना नहीं चाहिए। ये शिक्षा का काम नहीं है, ये शिक्षा की विरोधी काम है कि छात्रों को सेमिस्टर के लिए रजिस्टर्ड करने से रोकना, ये अशैक्षिक काम है, शिक्षा का काम नहीं है। बाकी जहां तक हिंसा में कौन शामिल है, मुझे पुलिस जांच होगी, विश्वास है कि सभी नकाबपोश बेनकाब होंगे। और मैं फिर बताता हूं, एक मिनट। ऐसा है कि बाकी विषयों में हिंसा किसने की क्या की इसकी जांच पुलिस कर रही है, मुझे विश्वास है कि सभी नकाबपोश जिन्होंने हिंसा की वो बेनकाब होंगे। नहीं, एज फार एज, हाँ आई टेल टेल, देखो ये लोकतंत्र का देश है, कोई कलाकार क्यों, कोई भी सामान्य आदमी कहीं भी जा सकता है, उसकी राय रख सकता है, उसमें कभी आपत्ति नहीं की किसी ने।